पर्चे पढ़ने से पहले निकाल रहे रैली, ऐसा ही नजारा देखने को मिला मतदान क्रमांक 81 पर। शिशु मंदिर में जहां के बच्चे हर वार्ड में हाथों में तख्तियां लेकर बैनर लेकर सभी लोगों से वोट देने की अपील कर रहे थे। समझ से परे है कि ये बच्चे जो घर से पढ़ने के लिए आते हैं क्या उनसे इस तरह की रैली निकलवाना शोभा देता है, वहीं किसके आदेश पर इन नन्हे बच्चों से इस काम में लाया जा रहा था। जब इस बारे में हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि किसी भी कार्य में बच्चों को उपयोग में नहीं लाया जा सकता, चाहे वह शासकीय काम हो या अन्य हो। इसके बावजूद मतदान क्रमांक 81 की BLO छोटे नन्हे बच्चों को साथ में लेकर उनसे नारे लगवाते हुए पूरे वार्ड में घूमी। चिल्लाती धूप में ये बच्चे अपने हाथों में तख्तियां एवं बैनर लेकर मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आए, जबकि जिस समय ये बच्चे यहाँ नारेबाजी कर रहे थे और रैली निकाल रहे थे उस समय इन बच्चों के स्कूल में पढ़ाई करने का समय था। लेकिन BLO मैडम को बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो आदेश आया और बच्चों को लेकर चल दी लोगों को जागरूक करने। पांच दिवसीय आवासीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का गायत्री मंदिर में हुआ शुभारंभ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिवार द्वारा गायत्री शक्ति पीठ पर आज से 5 दिवसीय आवासीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अरविंद वाजपेयी, कृष्णा शर्मा, रमेश प्रसाद सोनी, मोहन प्रसाद शर्मा उपस्थित रहे। बता दें कि 5 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें श्री कृष्ण शर्मा द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क एवं आवासीय है। इसमें यज्ञ कर्मकांड, गायत्री यज्ञ, व्यक्तिगत परीक्षा, ग्राम तीर्थ यात्रा, ज्ञान यज्ञ एवं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, शक्ति संबंधन वर्ष, ज्ञान विज्ञान, बाल संस्कार शाला, नारी जागरण, कन्या कौशल शिविर एवं नव दंपत्ति के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ से लगभग 50 लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में सभी गायत्री परिवार, गुना एवं ट्रस्टीगण, महिला मंडल, युवा प्रकोष्ठ संगठन आदि उपस्थित रहे। एक चीज जो आपको बल प्रदान कर रही है वो है आपका आत्मविश्वास। यदि आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है तो फिर काम सरल हो जाएगा। यदि आत्मविश्वास बढ़ा जाता है तो सरल चीज भी कठिन मालूम पड़ती है। आपने जब पहली बार रोटी बनाना सीखा साथ आई थी हम रोटी बनाते थे क्या होता था बेलते थे तो बीच में मोटी रहती थी आस पास रहती। शहर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं इसकी बांगी एक बार फिर देखने को मिली। अखबार के फोटो जर्नलिस्ट अमित शर्मा और उनकी पत्नी पर अपराधियों ने किया घातक हमला, साथ ही लूट के ले गए पैसे और गहने। एक तरफ तो पुलिस प्रशासन शहर में मुस्तैदी की बात करता है, वहीं शहर के मुख्य मार्गों पर कैमरे लगा देने के बाद पुलिस प्रशासन का यह दावा था कि इससे अपराध पर लगाम लगाई जा सकेगी। लेकिन कल देर रात लगभग 3 बजे अमित शर्मा अपनी पत्नी को इंदौर से डायलिसिस कराकर घर वापस लौट रहे थे, तभी 3 बाइकों पर सवार लगभग 5 आरोपियों ने अमित शर्मा एवं उनकी पत्नी पर हमला कर दिया और उनके द्वारा पहने गए सोने के गहने एवं नकदी लेकर निकल गए। साथ ही उनके द्वारा मारपीट भी की गई। इस मारपीट में अमित शर्मा के कान में चोट आई है जिससे उनको सुनने में तकलीफ हो रही है। इसकी सूचना उन्होंने आनन फानन में पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्परता दिखाते हुए रात में ही सर्चिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के हाथ आरोपी तो नहीं लगे लेकिन उनके द्वारा उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल जरूर लग गई, जिसके बाद पत्रकारों की मदद से पुलिस एक आरोपियों तक पहुंची। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी हैं वह विद्युत वितरण कंपनी में काम करता है। वहीं इसके साथ अन्य लोगों ने मिलकर कल देर रात अमित शर्मा के साथ और उनकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि थाना प्रभारी ने नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बाकी आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जबकि उनमें से कुछ गुना से भागने में कामयाब हुए हैं। कार जगत में इसको लेके बहुत रोष है,
और जे अभी जितने पत्रकार यहाँ खड़े हैं, जे अभी 25% भी नहीं है, 75% पत्रकार और आ रहे हैं। मतलब ये गुना शहर में पहली घटना है, पत्रकार से मतलब यार हाथ आ रहा है, पत्रकार से ही मतलब नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ कि जैस्तम चौराहे पर, ये कोतवाली से 400 फीट 500 फीट की दूरी पर सरेआम रात को एक हमारे पत्रकार साथी दंपति के साथ मारपीट की, लूटपाट की, सोने जेवरात पैसे नकद लूट ले गए। इससे बहुत चिंताजनक स्थिति है शहर में, हमारे को ऐसा लगता है कि आम जनजीवन सुरक्षित नहीं है। कोई भी रात को पहले निकलने से इस घटना कभी हुई नहीं गुना, अब ये घटनाएं शुरू हो गई हैं, तो इसके लिए हम एसपी साहब से और सरकार से ये करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो, ये निंदनीय है। और जो घटना अमित भाई के साथ हुई है उसके पता पड़ा है कि अब आरोपी भी ट्रेस हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्द पकड़कर उनसे सामान वसूल किया जाए, उनको दिया जाए, उनका सामान उनको वापस मिले और अपराधियों को उनका दंड मिले। कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में चले आ रहे जिला स्तरीय युवा उत्सव का समापन हुआ। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। समापन के मौके पर राज्य प्रतियोगिता में भाषण, मिमिक्री, स्किट एवं अन्य कार्यक्रम कराए गए। कार्यक्रम के उपरांत विजय प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जिला स्तरीय युवा उत्सव का तृतीय दिवस है और अंतिम दिवस है। आज प्रातः प्रश्न मंच से हमारी प्रतियोगिताएं शुरू हुई थी, उसके बाद वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हुई, फिर वक्रता हुई, उसके बाद मिमिक्री, अभी इस वक्रता का चल रही है भाषण प्रतियोगिता, और तुरंत बाद अभी मिमिक्री हो चुकी है, इसके बाद माइम की प्रतियोगिता होगी, फिर एकांकी और स्किट की प्रतियोगिता होंगी। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जो ज्वाइंट कलेक्टर साहब हैं उनने खुद इच्छा व्यक्त की थी और वो यहाँ पर आए हैं, तो हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे शांतिपूर्वक हमारी ये सारी प्रतियोगिताएँ सम्पन्न हो रही हैं और निर्णय जो हैं वो सारी प्रतियोगिताओं के बाद सुनाए जाएंगे। रामानंद पचौरी एवं गजानंद मीणा को थाने में दोबारा पदस्थापना देने के लिए म्यानावासी पहुंचे। बता दें कि उक्त दोनों निरीक्षकों के लिए पूरे कस्बे के लोग इकट्ठा होकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। इससे समझ में आता है कि दोनों निरीक्षकों की कार्यशैली काफी प्रभावी रही होगी, जिसके चलते लोग आज इन्हें थाने में दोबारा चाहते हैं। आप तक पहुँचा रहे हैं श्रीमान जी रामानंद पचौरी जी एवं गुणसागर मीणा जी की कार्यशैली से समूचा म्याना नगर प्रभावित था। जब तक यह म्याना थाने में रहे, गांव में सौहार्द बना रहा, आपराधिक कृत्यों पर भी लगाम रहे, क्योंकि इनका संवाद एवं भ्रमण की शैली अद्भुत रही। श्रीमान जी ग्राम की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इन दोनों को पुनः म्याना थाने में पदस्थ किया जा रहा। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दस हजार के इनामी बदमाश युवराज पारजी को गिरफ्तार करने में धरनावदा पुलिस को मिली सफलता। विभिन्न अपराधों के लिए युवराज को काफी समय से पुलिस ढूंढ रही है। बता दें कि पकड़े गए पारजी बदमाश युवराज पारजी को गैंगवार में मारे गए सहजादी पारजी की हत्या के मामले में भी तलाश जारी थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर धरनावदा थाना प्रभारी एवं उनके दल ने पकड़ा। आ रहा जरूरी है।
सौंदर्यकरण के लिए आए करोड़ों रुपए, बिना टेंडर और वर्क ऑर्डर के शुरू ही हो गया काम, लेकिन नगरपालिका उपाध्यक्ष ने रुकवाया काम। नगरपालिका उपाध्यक्ष राजू यादव के अनुसार नगरपालिका में इन दिनों करोड़ों रुपया शहर के सौंदर्य के नाम पर आया है, जिससे शहर को और भी ज्यादा सुंदर बनाया जा सके, लेकिन नगरपालिका सीएमओ बिना किसी टेंडर एवं नोटिस जारी किए काम करवा रहे हैं, जिसके चलते राजू यादव ने आज काम रुकवा दिया। बता दें कि नगरपालिका के सामने हाट रोड पर नवीन डिवाइडर लगने हैं एवं उनका सौंदर्यकरण होना है, जिसके लिए पुराने डिवाइडर निकाले जा रहे थे। जब पार्षद वंदना मांडरे और नगरपालिका उपाध्यक्ष राजू यादव ने काम कर रहे ठेकेदार से वर्क ऑर्डर मांगा तो वह वर्क ऑर्डर दिखाने में असमर्थ था। वहीं वंदना मांडरे के अनुसार जो कार्य कराया जा रहा है वह बिना किसी निविदा बुलाए कराया जा रहा है, जिसके पीछे केवल यही मकसद है कि आने वाले समय में आचार संहिता लगने वाली है और यदि आचार संहिता लग जाती है तो पूरा पैसा लैप्स हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या उक्त ठेकेदार वर्क ऑर्डर ला पाता है और साबित कर पाता है कि क्या ये काम निविदा के अनुसार किया जा रहा था। ये जो डिवाइडर बना हुआ है, इस डिवाइडर के रोड सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका में शायद 6-7 करोड़ रुपया आया, लेकिन अभी ना तो टेंडर हुआ है, ना टेंडर को मंजूरी हुई है और नगर पालिका ने ये पूरी रेलिंग आप देखिए पूरी निकालना चालू कर दी है, क्योंकि इनको ये डर है कि कहीं आचार संहिता चालू ना हो जाए, हमारा जो पैसा है वो लैप्स ना हो जाए। लेकिन आचार संहिता के पहले ये चालू करना चाहते हैं और इसमें भी शुद्ध भ्रष्टाचार की फुहार रही है, क्योंकि आज तक इस टेंडर को परिषद में नहीं लाया गया। जो काटी जा रही है अभी मेरे को अवगत कराया जनता का, यहाँ से फोन आया। चलो मेरा ये कहना है कि अभी 3.5 और 4 साल हुए इस रोड को बने, अभी सौंदर्यीकरण का जो पैसा आया था अदो मुख्यमंत्री अदो संरचना के योगदान से, तो अभी इस रोड को बने ओनली 4 साल हुए, और जब भी आप सब लोगों ने देखा, सब लोग पुराने हैं कि इसमें पहले पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों को नष्ट कर दिया गया और आज जब भी वो पेड़ ऐसे हो जाते वो सामने है, हरा भरा गार्डन यहाँ से नष्ट करके और फिर ये रेलिंग लगाई गई थी, और रेलिंग लगाने के बाद फिर वो यहाँ पूरी पेड़ों की कटाई हुई गई, रेलिंग लगाई, अब फिर उस पर रेलिंग काटी जा रही है। ये जो आप देख रहे हो शहर के अंदर हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, मीडिया बंधु फिर भी इससे ज़्यादा हाईलाइट पे नहीं कर रही, कांग्रेस यहाँ कुछ है ही नहीं है, विपक्ष मतलब एक शहर हित का जो मुद्दा है वो कोई उठाने तैयार नहीं है। मैं कहीं ना कहीं ये उठाता हूँ तो मुझको आरोप लगाए जाते हैं कि ये तो हमेशा ही विरोध करता है, लेकिन मेरा विरोध इस बात का है कि जो काम हो रहा है परिषद को विश्वास में लेके किया जाए, ये शहर की जनता का पैसा है। अभी इस पे फिर दोबारा सुनने में आ रहा है लगभग 3.5 या 4 करोड़ रुपए से फिर इसका सौंदर्यीकरण हुआ, तो सौंदर्यीकरण आप क्या करोगे, मतलब बनी बनाई चीज़ों को नष्ट करके फिर दोबारा बनाओगे। आज मेरे वार्ड की स्थिति पूरे मीडिया बंधु को पता है कि मेरे वार्ड में कहीं भी निर्माण कार्य नहीं किए जा रहे हैं, सीसी रोड नहीं है, मेरे वार्ड में बीमारियाँ फैल रही है, सफाई व्यवस्था भंग है, मैं बार बार कलेक्टर साहब को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं है और इस तरह के कामों में सब लोग सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी मैंने ठेकेदार को बुलाया है, इसके लिए मैं वर्क ऑर्डर देखूंगा, तब मैं इस काम को चालू करवाऊंगा, अभी मैंने ये काम बंद करा। नगर पालिका के हॉल में आयोजित की गई भारतीय जनता पार्टी की जिला बैठक, इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी समय में होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर भी कार्यक्रम तय किए गए, साथ ही किस तरह से चुनाव जीते जाएं इसकी भी रणनीति तैयार की गई। मासिक श्रांत पर अभियान का कार्यक्रम किया, उसका भी हमको वृत्त देना, उसमें हमारे सारे मोर्चे, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, हम संख्या के आधार पर हमारी कितनी बसें हमको आवश्यक रूप से लगेंगी। अब क्योंकि हमने प्रवेश पत्र दिए हैं, सूची बना दी है, तो ये तो निश्चित हो जाएगा कि उन कौन कौन सी बस में कहाँ बस लगेगी उसमें हो जाएगा। कि उपाध्यक्ष और महामंत्री जेके के मंडल सबका लिखेंगे, पूर्व
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने विनायक खेड़ी पहुंचकर किए फल वितरित। इस मौके पर बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। जो आज वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है उसके अतिथि के रूप में हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान महाराज सिंह जी बोधा जी करण भाई साहब आदरणीय जिला महामंत्री श्री हमारे अन्नौटिया जी विकास जी बाबू जी शिव में साहब ये सभी लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म के उपलक्ष्य में जो गरीब बस्तियां उसमें फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और उसके साथ साथ का प्रत्येक भी लोगों को समझाया। हमारे आदरणीय मंडल है श्री महाराज सिंह जी बोला जी भाई साहब करण सिंह भाई साहब और हमारे सहयोगी विकास जी अन्नौटिया जो हमारे जिला मंत्री हैं और मैं सोशल मीडिया परिवारी माता जी धनवरिया की ओर से हमारे सभी शहरवासियों को माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करण जी को हार्दिक शुभकामना बधाई देती हूँ। शहर में बड़ी धूमधाम से निकले डोल 11 पर अखाड़े जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थीं। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। इसके चलते कल शाम को पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। अखाड़े व्यवस्थित निकल सके और कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अपना होमवर्क कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।